आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। 2000 करोड़ के शराब घोटाले के विरोध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा का हुआ पुतला दहन। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का एक नया घोटाला शराब घोटाला। ईडी ने प्रेस नोट जारी कर शराब बिक्री में इस सरकार द्वारा लगभग 2000 करोड़ की कमीशन खोरी कर घोटाला किए जाने का खुलासा किया है। इस घोटाले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने टीपी नगर चौक कोरबा में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया गया है। आज का पुतला दहन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री नानकी राम कंवर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, जिला महामंत्री संतोष देवांगन, टिकेश्वर राठिया, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, सतविंदर पाल सिंह बग्गा, जिला मीडिया प्रभारी मनोज मिश्रा, सह प्रभारी पवन सिन्हा, आईटी सेल नवदीप नंदा, सोशल मीडिया सेल अजय चंद्रा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पंकज सोनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष वैशाली रत्न पारखी, प्रदेश सदस्य मंजू सिंह, महामंत्री संजू देवी राजपूत, मंडल अध्यक्षों में अजय विश्वकर्मा, परविंदर सिंह, लक्ष्मी श्रीवास, कुल सिंह कंवर, ईश्वर साहू, सुमन सोनी, प्रकाश अग्रवाल, राज जायसवाल, संजीव शर्मा, शिव चंदेल, भाजयुमो जिला महामंत्री नरेंद्र देवांगन, उपाध्यक्ष रंजू यादव, दिव्यांश अग्निहोत्री, मंत्री पंकज धुरवा, ब्रिजेश यादव, मंडल अध्यक्ष राम अवतार पटेल, मुकुंद कंवर, धनंजय चौहान, मनोज दीक्षेना, महामंत्री दीनदयाल पटेल, पिंकू रंजन, किशोर साहू, जनक राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नागेंद्र पाल। प्रदेश नेतृत्व पे आज हम सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा एवं संयुक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कवासी लखमा और भूपेश बघेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से ये झूठी सरकार जो बैठी है, जिसने गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके कसम खाई थी और इसने कहा था हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, और इस शराब बंदी के विषय को लेकर के आज हमारे छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का ईडी छापा के द्वारा एक घोटाला सामने आया है। और इससे समझ में आता है कि ये जो घोटाला करने वाली सरकार बैठी है, यह सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ये सरकार चल रही है, और ये 4.5 साल हो गए ये सिर्फ कमाने के लिए आई है। और इसने जो छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे उसमें से एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया, और एक भी वादे को पूरा नहीं करते हुए झूठी सरकार और इस सरकार से हम मांग करते हैं, भूपेश बघेल और कवासी लखमा आबकारी मंत्री से हम मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। हम महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि इस छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार साफ हो। आह्वान पे आज हर जिले में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा जो अभी प्रदेश में 2 दिन पहले ईडी ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला को उजागर किया है, उस संबंध में, उसी तारतम्य में आज महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे रखा गया था। इसमें हमारे यहाँ जिला के सम्मानीय श्री ननकी राम कंवर जी, श्री जोगेश लांबा जी, और यहाँ महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती वैशाली रत्न पारखी जी, पंकज सोनी जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, हमारे महामंत्री द्वय संतोष देवांगन जी और टिकेश्वर राठिया जी एवं समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हुए। अभी जो 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसमें साफ नज़र आ गया है कि एजाज ढेबर जो कि महापौर हैं रायपुर के, उनके जो भाई अनवर ढेबर हैं, उन्हें इस में पकड़ा गया है, और अभी कई कड़ियाँ इसमें नज़र आएंगी जो कि खुलेंगी। और इन सभी को उजागर करते हुए ईडी जो है वह अपना काम कर रहा है। अभी इस 2000 करोड़ के घोटाले में जो सामने देखने के लिए आया है कि इन लोगों ने एक ऐसा सिंडिकेट खड़ा कर रखा था, एक ऐसा सिंडिकेट बना रखा था जो कि चाहे वो डिस्टिलरीज हो, चाहे वो मनी वेंडर्स हो, हर जगह इन्होंने अपने एक एक आदमी खड़े रखे हुए थे, और इन आदमियों से ये पैसा कलेक्ट करके यहाँ से पैसा जो है भूपेश बघेल को जाता था, यहाँ कांग्रेस की सरकार को जाता था। और कांग्रेस सरकार जो कि हम पहले से ही बोलते आए हैं
केंद्र की कांग्रेस के लिए एक एटीएम बनी हुई है, उस अपने आकाओं को यहाँ से पैसा पहुँचाते थे। साथ साथ यह भी जानकारी मिली है कि कुछ पैसा दुबई भी जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। ये तो 2019 से 2022 तक में जो एक 2000 करोड़ का बोला गया है, मुझे लगता है ये हज़ारों करोड़ का घोटाला होगा जब सामने तथ्य साबित होंगे। तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, जिन्हें नकली बोतल पे नकली होलोग्राम बना लगा करके और लोगों को दारू बेचा गया है, जो आबकारी विभाग में आप जाइए, आप जहाँ पे दारू बिक रहे थे वहाँ के लोगों से आप पूछिए तो वो बताते हैं कि अगर 3 लाख का दारू बिक रहा था तो उसमें 30,000 ही रजिस्टर में चढ़ता था और 2,70,000 रुपया भूपेश बघेल या कांग्रेस सरकार को जाता था। तो ऐसी ज़बरदस्त घोटाला, ऐसा ज़बरदस्त भ्रष्टाचार, दारू घोटाला दिल्ली में भी हुआ, प्रेस के साथियों मैं बोल रहा हूँ दारू घोटाला दिल्ली में हुआ, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर के यह दारू घोटाला हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामने आया है, जिसका छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, जिसका छत्तीसगढ़ के सरल सहज जनता आने वाले दिनों में जरूर जवाब देगी। जय हिंद।